शिक्षक नियमावली 2023 का विरोध अभ्यर्थी जमकर कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार को फिर से एग्जाम लेना था तो 4 साल बर्बाद क्यों किए, वो एग्जाम पहले भी ले सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार इस बहाली को फंसाना चाहती है, वह इसको लंबा खींचना चाहती है, यही अभ्यर्थियों का कहना है। आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से अभ्यर्थी जोरदार विरोध कर रहे हैं। बहाली क्यों लटका कर रखा गया? अभ्यर्थियों ने यह साफ कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी, महागठबंधन सरकार के किले को ढा दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। नई शिक्षक नियमावली आते ही लगातार विरोध जारी है। एक तरफ राज्य भर के नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे हैं, वहीं स्टेट अभ्यर्थी भी अब आरजेडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। साथ ही जो नियमावली है उसको फाड़ कर विरोध कर रहे हैं, मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। ये विरोध किस लिए? कल जो नियमावली आई है 2023 नियमावली, उसमें काला फरमान है कि एग्जाम हम लोग STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा दे के आए, सरकार ही ली है तो फिर एग्जाम किस बात की? यह बहाली फंसाने के लिए और 2025 तक ले जाने के लिए नियमावली आई है। हम लोग इसका काल विरोध करते हैं, सरकार तत्काल प्रभाव से वापस ले, अन्यथा हम लोग कल सड़क पे उतर रहे हैं। आज अगर वापस नहीं हुई तो हम लोग सड़क पे उतर रहे हैं, चाहे जो हो, यह काला फरमान नहीं चलेगा। सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, बर्दाश्त से बाहर है गरीब दलित बुजुर्गों के बच्चों को, योग्य शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, एग्जाम के बहाने 2025 ले जाइएगा, बर्दाश्त से बाहर है। होश में आइए, होश में आइए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलिए, तो ये चेतावनी साफ तौर से दी जा रही है, ये बताइए अल्टीमेटम भी कुछ दे रहे हैं, क्योंकि अब तो आयोग की तरफ से परीक्षा ली जाएगी। नहीं नहीं, देखिए ये जो निमाली भावी शिक्षकों के लिए आया ही नहीं है, जो कार्यरत शिक्षक है उनके लिए आया है। चार जब एग्जाम ही लेना था तो 4 साल से क्यों लटका कर रखे? अति शीघ्र जल्द लाठी से डंडा से पिटाया गया हम लोग को, अब कह रहे हैं कि हम एग्जाम लेंगे 4 साल के बाद। आपको दिमाग का खुला है? ये कौन सा तरीका है? जान मार दीजिए सीधे। कहना चाहते हैं कि पहले बता देते, स्टेट और सीटेट बीटेट नहीं करना पड़ता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 4 साल जब वही करना था तो हम लोग तैयारी करते सर, 4 साल के बाद फरमान लाते हैं कि हम BPSC के द्वारा देंगे, 3 बार मौका देंगे। अरे बाप, BPSC में 7 बार मिलता है। गौतम कुमार यादव, ये बताइए अब तो नियमित टीचर कहलाएंगे, सरकार ये कह रही है। महोदय, हमें इससे कोई समस्या नहीं है, हम विज्ञापन के अनुसार 4-4 बार परीक्षा देके मेरिट में है, अब नियुक्ति पत्र लेने की बारी है तो कह रहा है कि BPSC से एग्जाम देंगे। हम IIT से पढ़े हैं, कौन परीक्षा से डर रहे हैं क्या? लेकिन फिर हमको 4-5 साल झोंकना चाहती है सरकार, आर पार की लड़ाई होगी और तेजस्वी यादव लंका ढा देंगे। यदुवंशी खानदान से हूँ और समझ लेना मोड़े मोड़ पराजित करेंगे। इस राज्य में जहाँ बैनर पोस्टर मिलेगा वहीं आग लगा देंगे। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार, IIT से पढ़ा हूँ। सरकार कह रही है कि हमने बहुत कुछ कर दिया, अब तो 3 लाख बहाली करने की हम तैयारी कर रहे हैं। अरे ये कुछ नहीं कि बेवकूफ बनाए, हम लोग का बेवकूफ बनाया गया। बात है नियुक्ति पत्र मिले की, तो अब कह रहे हैं कि आयोग से परीक्षा लेंगे, ये कौन सी बात हो गई? हम लोग 4 साल से नियुक्ति पत्र की बात कर रहे थे, अब नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, अब फिर से परीक्षा दीजिए। अरे तो पहले से हम लोग परीक्षा नहीं दिए थे, मेरिट में बिना परीक्षा के आ गए। अरे आप ही ने परीक्षा लिए थे, आप ही ने मेरिट दिए हुए हैं, आनंद किशोर से आके पूछेगा, वही हम लोग मेरिट ला के दिए हुए हैं। आयोग से परीक्षा नहीं देंगे आप लोग? अरे भाई, हम लोग परीक्षा आप कुछ ऐसा ले लीजिए, लेकिन जो परीक्षा वाले ले चुके हैं, जो मेरिट बना के दे चुके हैं, उसका क्या करें? उसको बताइए क्या करें? मैं रुपेश कुमार सिंह। बिल्कुल, तो अभ्यर्थी यही सवाल पूछ रहे हैं कि पहले हमने BEd कर लिया, उसके बाद STET कर लिया, और जो प्रारंभिक वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम DLED कर लिए, BEd कर लिए, CTET कर लिए, BTET कर लिए, अब भला आयोग से किस प्रकार की परीक्षा? सरकार अगर पहले बता दी होती तो हम लोग इतनी फजीहत नहीं झेलते। जाहिर है आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन हुआ है और फिर से लगातार आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है कि हम अगर सरकार वापस नहीं लेती है अगर नई नियमावली तो हम जो है चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अब देखते हैं नियमावली 2023 वापस होता है या फिर से नया एग्जाम होता है, देखना ये है अब क्या होता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।